ए बाबू, तो हम अभी क्या बताए थे? वायुमंडल में गैस के बारे में बताए थे ना, वायुमंडल में गैस की मात्रा कितनी है ना। तो आइए बात करते हैं, आइए। वायुमंडल में गैस की मात्रा कितनी है? चलिए बात करता हूं। देखिएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा है 78.08%, ऑक्सीजन गैस की मात्रा है 20.95% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है 0.03%, आर्गन गैस की मात्रा है 0.93% और अन्य गैस की मात्रा है 0.01%। क्लियर? आगे बात करता हूं। देखिए, माचिस का आविष्कार 1855 ईस्वी में स्वीडन नामक देश में हुआ। स्वीडन एक देश का नाम है। 1855 ईस्वी में माचिस का आविष्कार हुआ। माचिस का आविष्कार लुंडस्टोन ने किया। लुंडस्टोन उस इंसान का नाम है जिसने माचिस का आविष्कार किया। सेफ्टी माचिस, जो हम माचिस यूज करते हैं। माचिस की डीपी पर क्या लगा होता है? लेप होता है ना, एक लेप, लाल फॉस्फोरस और सल्फर का लेप लगा होता है माचिस की डीपी पर। माचिस की तीलियों में, तीलियों से निकाल के मारते हैं जल जाता है, तब माचिस की तीलियों में पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। पोटेशियम क्लोरेट उस पे लगा होता है तीली में, काला काला या लाल लाल। माइकल फैराडे ने 1860 ईस्वी में मोमबत्ती के बारे में बताया। और उसने बताया कि मोम एक ईंधन है या हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। उसके बाद और देखिए, मोम कहाँ से मिलता है? मधुमक्खी के छत्ते से भी मोम प्राप्त होता है। मधुमक्खी के छत्ते से ही मोम निकलता है। क्लियर हुआ? और एक टॉपिक है, थोड़ी सी देख लीजिए। देखिए, आग बुझाने वाले यंत्र का नाम क्या है? अग्निशामक यंत्र, जो लाल लाल होता है, लाल सिलेंडर में छोटे छोटे, बड़े बड़े, कहीं बस के पीछे कोना पे लगाया होता है, कहीं हॉस्पिटल में देखते होंगे, हॉस्पिटल में और स्कूल में ये सब लगाया होता है। अग्निशामक यंत्र नाम है उसका, ठीक है ना, आग बुझाने वाला यंत्र। उसमें क्या भरा होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर भरा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें। और वो अलग तरीके का यंत्र है, एक अलग तरीके का। बोतल में अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन होना होता है। जब आग लगता है तो अम्ल को और सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और आग के फैलाव को रोक देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देता है और आग बुझ जाता है। क्लियर?